अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक। आज हम आपके सामने एक और वीडियो लेके आए हैं हमेशा की तरह की, और ये जो वीडियो लेके आए हैं ये मतलब हमेशा की तरह एक यूनिक वीडियो तो है, और ये स्नैक वीडियो है। मतलब इसको देखने का मजा बहुत है, मजा आएगा। किस तरीके से मजा आएगा? वॉर की तरह की वीडियो, बैटल टाइप की वीडियो होगी। तो इसके दरमियान में है, हाँ वो बताओ। वो है टिकटॉक, जो स्टार्स थी ना फेमस, हाँ, पुरानी, जो कमल आफ्ताब होगी और दूसरी थी जन्नत मिर्जा, हाँ, जो ये इन्होंने मूव करके अब ये आई है स्नैक पे। हाँ, जैसा कि आपको पता ही होगा, आप अक्सर वीडियोस देखते हैं तो उनके ऊपर एड्स स्नैक के बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मोस्टली जो टिकटॉक बैन होने के बाद से क्या किए इन लोगों ने कि ये मूव हो गए हैं स्नैक की तरफ बहुत ज़्यादा। तो हम स्नैक की प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन बिल्कुल जनरली बात कर रहे हैं। तो अब ये वीडियो में देख के पता लगेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वैसा ही है वीडियो में कि नहीं, आपके साथ मिलकर देखेंगे। तो इनके दरमियान वीडियो में टिकटॉक टाइप ही हैं, उधर ही वहाँ पे भी यही प्लेटफॉर्म है बेसिकली, है टिकटॉक की मटेरियल, सॉन्ग्स होते हैं, मतलब टिकटॉक का मटेरियल तो नहीं कहेंगे, स्नैक का मटेरियल है। बस टिकटॉक ने तो एक चीज़ ली हुई थी ना, एक अपने नाम किया हुआ है, अपना एक किस्म का ब्रांड बना हुआ है कि सॉन्ग पे रिएक्ट करना। टिकटॉक स्नैक भी ये सॉन्ग पे रिएक्ट करना, मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स हैं वहाँ पे, मतलब फ्लेवर्स फिल्टर्स में तो इस मतलब तरीके की है। तो अब इन दोनों की वीडियो देखते हैं कैसी होगी कैसी नहीं होगी। हैं तो दोनों बहुत ही मशहूर और फेमस, और अब तो ये बेसिकली जन्नत मिर्जा की तो अपनी एक वो भी आने वाली है मूवी, मूवी कौन सी, मौला जट या पता नहीं कोई नाम है इसी तरह का कोई। तो और ऊपर से कमल आफ्ताब तो एंकरिंग की फील्ड में चली गई हैं, उर्दू पॉइंट वगैरह पे आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चले फिर अब वीडियो देखते हैं कैसी है कैसी नहीं। एक मिनट, उससे पहले इस बटन इसको दबा दें, इसको दबा दें, प्रेस कर दें, प्रेस मतलब दबा दें, हाँ। दबा दें मतलब किसी तरीके, मतलब इस हर एक बंदे का तरीके कारण उस हिसाब से सब कुछ करके दिखा दे, कर दे। क्या 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 करनिया खुशियां करनिया जिसके लिए स्टेटस लगाते हैं वो देखते ही नहीं, और बाकी सब लोग सेंड मी सेंड मी। ये तो अक्सर का होता है, होता है बिल्कुल। हाँ सलाम वालेकुम मजीद भाई, हीना को फोन देना जरा। मजीद भाई मैं रज्जा बोल रही हूँ। तो मर्दों की आवाज में क्यों बात करती हो? तू कौन बोल रहा है? होने वाले दामाद की आवाज नहीं पहचानती? फटाफट हीना को फोन दो। रिक्शे वाले तू? ये तो अक्षय कुमार था। हाँ अक्षय, बहुत मजे की। सुनो, याद आ रही है तुम्हारी? बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो। अवैस कहाँ हो आप? यार अलीजा, मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, मेरी टांग और दो पसलियां टूट गई हैं। अच्छा टिफिन सीधा रखिएगा, ये ना वो सालन गिर जाए। खुला हुआ पड़ा, मेहनत से बना के भेजा यार। भैया माइक आए, भैया हमें और ये माइक पार्टी हो रही है। बस वैसे बना लेगा तो मैं डांस शुरू कर दे। पार्टी हो रही है। डायलॉग बॉल मैंने कब बोला कि मैं हसीन हूँ? मैंने कब बोला कि मैं हसीन हूँ? ये भी एक टिकटॉकर है, बल्कि मैं तो उनकी वाइज है, बहुत हसीन हूँ। चलो से तो लाइफ है, उसमें भी सुबह ना मम्मा जल्दी उठा देती है। कसम खुदा की एक आंसू ना बहाओगी, अब लौट के ना आऊंगी। अरे फिर मैं भूल गई, तू क्यों लौट? वीडियो कंप्लीट नहीं है। मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ बोलो ना। मेरे बस खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है।
तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदा ही खराब हूँ। ए, आवाज नीचे और दो कदम पीछे। लड़कों का एक सीक्रेट बोलूं? जी जी। जब कोई लड़का आपको आके बोले ना यार प्लीज मेरी एक गर्लफ्रेंड बनवा देना, तब समझ लेना वो आपको ही बोल रहा है। अच्छा, भाई के बारे में था। तेरा बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ खुश लग रहा था ना, उसकी खुशी में मेरी खुशी है यार। क्या बात है। सुनो साहब, कभी हमसे भी पूछ लिया करो हाल दिल, कभी हम भी कहें दुआ है। दुआ है आपकी, मैं बता देता हूं। बस तुम्हारी खुशी के लिए कंप्लीट, तुम्हें बस तुम्हारी खुशी के लिए छोड़ा है। चलो मुझे बुरा बना के कोई अच्छी ढूंढ लो अपने लिए। मैं चाहूं तुझे किसी और को तू जा। इधर दुखी में क्यों जा रहे हैं लोग? सुन, जब तक जिंदा हो ना बात कर लिया कर, क्योंकि मिट्टी में सोने के बाद ना घर वाले भी भूल जाते हैं। ये स्नैक वीडियो ज्यादा सैड वीडियो होना चाहिए था इसका टाइटल। एक्सक्यूज मी, आई लव यू। वाओ सची, कितने दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए? और ये जवान लग रहा है मुझे। हां ये जवान ही गई हुई है। इतना काफी क्योंकि बंदे जिस हिसाब से पीछे चले की बात है। ज्यादा टाइम हो गया, ज्यादा हो गया, 7-8 महीने से ज्यादा हो गया। वीडियो खत्म भी होगी? वीडियो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। हां पता नहीं चला कितना टाइम का बकाया वीडियो स्नैक पे। मुझे ये नहीं पता कि इतनी ही होती हैं छोटी या ये वीडियो हमारे पास जो है ये बहुत कम है। यार किसके पास इतना कोई टाइम होता है कि वो वीडियो इतनी 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 कार्ड के तो दोबारा क्रॉप करे? मेरे ख्याल से वीडियो शायद इतनी। बरल स्नैक मैंने कभी यूज नहीं किया लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत देखी है। बहुत कोई भी वीडियो आप प्ले करें उसमें जो ऐड चलता है वो मोस्टली स्नैक के चल रहा होता है आजकल। वह उनका YouTube पे कुछ देखते हैं उसके ऊपर भी स्नैक चलता है। वह उनका बस नहीं चल रहा कि वो लोगों को खुद कहें कि इसको खोल लो घर में आके, गन पॉइंट पे घर में आके डाउनलोड करके खोलो खोलो इसको खोलो। अच्छा फिर भी 100 मिलियन प्लस उसके डाउनलोडर्स हैं। 100 मिलियन प्लस बहुत ज्यादा, ऐसे ही छोटे तो नहीं होते यार। टिकटॉक से लोग मूव कर गया बस बात वही। अब जिस तरह याद होगा जब व्हाट्सएप की प्राइवेसी का इशू चल रहा था तो लोग टेलीग्राम पे मूव हुए थे, अचानक से टेलीग्राम वाले जो मतलब डाउनलोड एकदम से ऊपर चली गई थी, बिलियंस में चली गई थी। बिल्कुल, लेकिन ये अभी इसी तरीके से टिकटॉक के साथ हुआ। टिकटॉक बैन हुई है कुछ स्नैक के पीछे, उन्होंने स्नैक ने तो अपने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। वो एक मुकाम पे पहुंच टैक्टिक्स। बहरहाल वीडियो अच्छी थी नो डाउट, वीडियो पे आ जाते ना हमें अरे घरी बातें शुरू कर दी। तो जन्नत मिर्जा को ज्यादा वोट देना चाहिए कि कमल साहब को? यार मेरे नज़दीक दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, मेरे नज़दीक दोनों की एक्टिंग अच्छी है। कमल अफ्ताब, मेरे ख्याल में जन्नत मिर्जा की मुझे ज़्यादा अच्छी वीडियो। अब वैसे तो ओवरऑल उनकी अच्छी है पर इस वीडियो के हवाले से ना मुझे जन्नत मिर्जा के क्लिप जो थे ना वो ज़्यादा। हाँ इस वीडियो के लिहाज से अगर बात करो तो मैं भी जन्नत मिर्जा को दूंगा क्योंकि उनकी थोड़ी शेर व शायरी और थोड़ी ना सैड टाइप ज़्यादा थी। कमल अफ्ताब की थोड़ी फनी में भी आ रही थी लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों की एक्टिंग अच्छी है। एमी नहीं कोई इतना ऊपर चला जाता, कोई बात होती है तो कोई इतना ऊपर जाता है। वायरल वीडियो एमी हम खींच के बड़ी कर देते हैं, होती इतनी है नहीं तो इसको ख़त्म कर देते हैं बस। अब इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे बस, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, ये बटन आप दबा जरूर ये दबा दें, ये वाला बटन वो एक लिखा हुआ है वो प्रेस कर रहे हैं आप लाजमी, उसको दबा दें। और अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं तो उसका कमेंट बेहतरीन जरिए हमारे तक बात पहुँचाने का, और दोस्तों तक पहुँचानी है तो उसका शेयर बहुत अच्छा तरीका ठीक है। और अगर खुशी का इजहार करने के लिए लाइक कर सकते हैं आप। चले फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक हमें भी फिर इजाज़त दें। तब तक के लिए